राजधानी शिमला में मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर जनवादी महिला समिति और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम किया जाता है। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि मणिपुर 3 महीने से ज़्यादा से समय से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार व मणिपुर सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। यह हिंसा पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात काफ़ी ख़राब हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार इसे रोकने में नाकाम दिख रही है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की। देखिए, आप लोग जानते हैं आज हमारे पूरे देश में ये सभी जन संगठनों की कॉल है। इसमें हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, विद्यार्थियों के संगठन, युवाओं के संगठन, ट्रेड यूनियंस और किसान सभा और ये जो YWCA है, इन लोगों ने भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आप लोग जानते हैं कि पिछले 76 दिन से लेकर के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हिंसा का शिकार हो रही है। आप लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर 2 जातीय समुदाय के बीच में हिंसा बढ़की और उस हिंसा में 4 तारीख को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है और उनको पुरुषों की एक भीड़ के द्वारा घसीटा जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये तो सिर्फ और कई तरह की वहाँ पर 0 जो FIR वहाँ पर महिलाओं ने लॉन्च की थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर कोई ऐसी